वो देख देख किस तरह आ रही, देख सरप्राइज कर दो बीवी। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी ना मैं विनय के घर आया था क्योंकि भाई हम दोनों को कॉलेज जाना था। और गाइज वैसे ना काफ़ी दिन से हम कॉलेज जा रहे हैं, मतलब लगा लो 2-3 दिन से जा रहे हैं कॉलेज अपना। बट क्या है कि मैं वहाँ का व्लॉग इसलिए शूट नहीं करा था क्योंकि भाई रीज़न क्या था, एक तो मेरे को कॉलेज का कैंपस इतना पता नहीं था जिस वजह से मैं शूट नहीं कर रहा था। मोहम्मद भाई राम राम, ठीक हो? तो इस वजह से ना मैं वहाँ का व्लॉग शूट नहीं करा था। बट क्या है कि कल अब जैसे हम गए ना तो वहाँ पे सारा हमने देखा कि कैसे कैंपस है, क्या कुछ है, तो इस वजह से आज का व्लॉग हम वहाँ पे शूट करेंगे। तो गाइस अभी विनय आ जाता है फिर उसके बाद चलते हैं कॉलेज। और गाइस मैं खाने में तो कुछ नहीं खाया, बस ले लगा लो बस दूध ही पी के आया था बस। और गाइस आज जल्दी भी आ जाएंगे क्योंकि ना मेरे को टिकट भी बुक करा के आनी है बहन के साथ जाके। तो गाइस एक बार विनय आ जाए फिर चलते हैं कॉलेज में। और हाँ एक चीज़ और, हम ना ऑटो से जाएंगे शायद आज कॉलेज, क्योंकि भाई एक्टिवा लेके जाते हैं ना तो वहाँ पर यार चारों तरफ ना पुलिस वाले खड़े होते हैं, जिस वजह से एक्टिवा का फिर यार चलान वलान, बुलेट का आपको पता ही है भाई साइलेंसर चेंज है, तो इस वजह से भाई अपना ऑटो में ही चलेंगे दोनों एक बार विनय आ जाए। तो गाइस ऑटो वाला प्लान कैंसिल हो गया, हम एक्टिवा पे ही जा रहे हैं। मैं हेलमेट उठा लाया था घर से और विनय एक्टिवा चला रहा भाई, लग रहे ना दोनों भाई हीरो राम लखन। चलो अब मिलते हैं कॉलेज चल के। ये जो पीछे देख रहे हो ना ये हमारा कॉलेज है जिसमें हम पहले पढ़ते थे, जिसमें मैंने बीकॉम करी और विनय ने बीए करी है। एक्स कॉलेज है हमारा। अभी पहले तेल डलवा लेते हैं एक्टिवा में फिर फटाफट निकलते हैं कॉलेज के लिए क्योंकि भाई 10 बज रही, लेट हो गया आज भी। और मैं तो आई कार्ड भी नहीं लाया, मैं बोल दूंगा मेरा आई कार्ड गुम हो गया, दोबारा बनवा लूँगा आई कार्ड। चले तो भाई आ गया अपना कॉलेज में और ये हमारा कॉलेज कैंपस, और चलते अब अपनी क्लास में। तो गाइज ये ना हमारी क्लास है भाई और इस टाइम ना सारे बच्चे ऑडिटोरियम में गए हैं। और आपको मैं बता दूं भाई हमें ना कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है, इस कंप्यूटर से, जैसे कंप्यूटर देख रहे हो इसमें जो शो होता है ना वो सारा उसके थ्रू इस स्क्रीन पे आता है और इस स्क्रीन के थ्रू हमें यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। और वो बैठा भी नहीं और भाई काफ़ी, और एक चीज़ और AC भी लग रहा है भाई, दो हमारी क्लास में मतलब सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करवा रखे हम जैसे लायक बच्चों को। स्माइल आ रही, एक बार आप देख लो अच्छे से हमारी क्लास कैसी है भाई। और गाइस अब चल रहे हैं आप अभी ऑडिटोरियम में और फिर उसके बाद चलेंगे कैंटीन में। ये देखना सैलून भी अपने कॉलेज में, लॉन्ड्री भी है मेरे हिसाब से ना, वो है क्या बोलते उसको सैलून की नाई, नहीं ये क्या है, ये क्या चीज है बता, हॉस्टल है वो, बॉयज हॉस्टल। और गाइस इस साइड बॉयज हॉस्टल है और उस साइड गर्ल्स हॉस्टल है। तो गाइज अभी ना हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। धोखे में रख दिया इनको तूने, वो देख देख किस तरह आ रही, देख सरप्राइज कर दो बीवी। Hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel right, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine, I'll be waiting for a sign to light up, yeah, and your heart is out of sight, I just wanna feel mine. जल्दी आओ, आ जाए एक बार। ओए वोरा मोर चीनू देख गाइस कितना सुंदर लग रहा मोर, देखो चले एक बार इसके पास। ये तालाब है बतकों के लिए बना रखा जहाँ पे, उधर जाना था हमने भाग के, फटाफट कोई भाग के नहीं जा रहा, अब क्लास में चल रहे। तो गाइस यहाँ पे ना बता रहे कि सुबह सुबह ना मोर के छोटे छोटे बच्चे भी मिलते हैं भाई, और यार काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतनी सारी बत्तख है ना, ये बत्तख कुछ भी खा ले, इनको कुछ भी डाल दे, तू ब्रेड पकौड़ा डाला वो खा लिया, समोसे डाल ले वो खा लिए, इन्होंने घर से रोटी लेके आनी चाहिए थी इनके लिए। यहाँ पे भी सबको पता चलता जा रहा है कि हम व्लॉगिंग करते हैं भाई।
और ये देख ये स्केटिंग का वो बना रखा मेरे हिसाब से सारा। और यहाँ पे नेचुरल पानी के लिए एकदम स्रोत है, एकदम यहाँ से आता रहता है 24 आवर यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। तो गाइस घर की तरफ चल रहे हैं अब, और भाई जंगलों में से निकल के जाना पड़ रहा है कॉलेज, क्योंकि ना वहाँ से पुलिया छुट्टी पड़ी है। तो जंगल है सारा चारों तरफ हमारे, शेर चित्ते सब घूमते रहते हैं यहाँ पे। और कैसा लग रहा आपको जंगल में आके, रास्ता तो दिखा दे। तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, और मैं ना हाथ मुँह धो लिया और उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही भाई, सुबह से कुछ नहीं खा रखा मैंने, और फटाफट हाथ मुँह धो लेते हैं। तो गाइस हाथ मुँह धो के अपना खाना खाने बैठ गया, और ये देख लो भाई नमकीन चावल बनाए मम्मी ने आज साथ में मलाई। नो हीरो आ रहा है आज हमारे पास, है ना भाई, मिलने आया हूँ। और गुन्नू क्या खा रहा है, चिप्स है, अच्छी लग रही है। कहाँ है तेरी चॉकलेट, हैं यहीं रखी थी, कहाँ गई फिर? भाई जी ना चॉकलेट ढूंढ रहा है, तू चिपकली, तू चिपकली थी। ले चिज्जी ले ले। तो गाइस अभी आया हूँ मैं घर, और भाई मेरे को ना पता नहीं क्या एक हैबिट सी होगी, डेली शाम को ना मैं घूमने चला जाता हूँ, मतलब खाना वाना खा के। और गाइस अब आया हूँ मैं, इस टाइम 10 बज रही है, और भाई काफ़ी मज़ा आता है, देख लो पसीने कैसे आ रहे, क्यों ना बॉडी, मतलब आपको पता है कि यार मेरे माइंड में 75 हार्ड करना, तो जिस वजह से मैं ना धीरे धीरे, मतलब इतनी एक्सरसाइज कराऊँ धीरे धीरे धीरे, कि मतलब अगर मैं एक साथ करूँगा ना भाई उस एक्सरसाइज को, तो सारी बॉडी दर्द होने लग जाएगी। बट मैं ना डेली शाम को चलाता हूँ, पता नहीं खुद से ही होता है कि चल थोड़ा घूमने चलते। और गाइज़ अभी मैं आया हूँ खाना खा के, तो मैं चला ही गया था। और गाइज़ अब मैं व्लॉग को एडिट करूँगा, और भाई आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है वैसे तो आज, सही बताऊँ तो, बट आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। अगर गाइज मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो यार, मतलब सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, जो कोई कमी आपको लग रही है तो वो मेरे को बताओ, मैं उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगा। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर। और भाई बुआ आ रहे आज, तो वैसे भी ये लिटरे बुआ और ये रे मम्मी, और भाई मेरे व्लॉग, बुआ इस टाइम मेरे पूरे फ़ैन हुए पड़े भाई, डेली मेरे व्लॉग, जब भी मैं बुआ के पास जाऊंगा ना यही कहेंगे वो वाला व्लॉग बहुत बढ़िया बना रखा था। तो गाइज़ बस आप भी ऐसे ही प्यार करो, ये तो फैमिली है, जितना सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, आप भी अब मेरी फैमिली हो, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय महादेव।